दोस्तों, मेरा नाम राकेश रमन है। मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और सोशल एक्टिविस्ट हूँ। वैसे तो मैं आजकल काफ़ी सब्जेक्ट्स के ऊपर अपनी जो न्यूज़ साइट्स हैं उनके ऊपर लिखता हूँ, लेकिन मेरी स्पेशलाइजेशन जो है वो टेक्नोलॉजी है। तो उसके लिए मैं एक RMN डिजिटल साइट चलाता हूँ जो पूरे वर्ल्ड में जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड न्यूज़ और व्यूज़ हैं उसमें उसको कवर करता हूँ। और सिमिलरली आई रन एन अदर साइट ऑल्सो RMN कंपनी पाथवे नाम के अंडर। मैं एक और जो टेक्नोलॉजी साइट है वो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस के लिए चलाता हूँ। तो आज मैं आपके साथ ट्विटर, जो पहले जिसको ट्विटर कहते थे और आजकल एक्स कहते हैं, आपने सुना होगा, ये एक माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है जिसके ऊपर लोग अपना ब्रीफ टेक्स्ट, इमेजेस और वीडियोस डाल सकते हैं। इसको माइक्रो ब्लॉगिंग साइट कहते हैं। तो उसको ब्राज़ील ने ब्लॉक कर दिया, यानी कि अब जो लोग ब्राज़ील में रहते हैं, वैसे तो ये पूरे वर्ल्ड में अवेलेबल है, एक्स जो है या पहले जिसको ट्विटर बोलते थे, पूरे वर्ल्ड में अवेलेबल है, लेकिन ब्राज़ील ने उसको अपने कंट्री में ब्लॉक कर दिया। यानी कि वहाँ पर जो लोग रहते हैं वो एक्स को यूज़ नहीं कर पाएंगे, यानी कि वो अपनी पोस्ट जो हैं वो जो पहले लिखते थे एक्स के ऊपर वो नहीं लिख पाएंगे। वो क्यों हुआ है उसके बारे में मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। ये एक्स को इसलिए ब्राज़ील में ब्लॉक किया गया है क्योंकि जो इसका ओनर है एक्स का, एलन मस्क, जो एक बिलियनर है यानी कि बहुत ही अमीर आदमी है, वो जो ब्राज़ीलियन टॉप कोर्ट है यानी कि सुप्रीम कोर्ट है, जो उसके ऑर्डर्स थे, वो क्या ऑर्डर कर रहा था सुप्रीम कोर्ट के, वहाँ पर जो कुछ अकाउंट्स हैं जो हेट स्प्रेड करते हैं यानी कि नफ़रत फैलाते हैं या फेक न्यूज़ स्प्रेड करते हैं, झूठी खबरें फैलाते हैं, तो उनको वो सस्पेंड करे या उनको बंद करे, ये एलन मस्क अपने एक्स साइट जो ब्राज़ील में है उसके ऊपर। लेकिन इसने कोर्ट का कहना नहीं माना और वो अकाउंट चलते रहे और ये काफ़ी दिन से ये फ्यूड चल रहा है, यानी कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन एक्स एंड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ ब्राज़ील हैज़ बिन हैपनिंग फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ। तो अब ये कल ये डिसीज़न लिया गया है फ्राइडे को सुप्रीम कोर्ट ने कि एक्स को वहाँ पर ब्लॉक कर दिया जाए ताकि वो लोग वहाँ पर एक्स को यूज़ ना कर सकें। तो उससे एक्स को क्या नुकसान होगा कि इसके जो एड रेवेन्यूज़ होते हैं वो पहले ही बहुत कम है, ये घाटे में कंपनी चल रही है और इसके एड रेवेन्यूज़ को और भी ये नुकसान होगा, यानी कि एडवर्टीजमेंट से जो पैसे आते हैं वो मिलने बंद हो जाएंगे। अगर साइट ही नहीं चल रही वहाँ पर तो कैसे पैसे मिलेंगे। तो ये अभी भी जो एलन मस्क है वो कह रहा है कि जो फ्री स्पीच है दैट इज़ द बैकबोन ऑफ एनी डेमोक्रेसी, यानी कि वो कहता है कि जो भी लोग कहते हैं उनको कहने देना चाहिए ताकि ये जो डेमोक्रेसी है उसमें जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच है वो उसको किसी भी कंट्री में प्रोटेक्ट करना चाहिए। लेकिन ये बात तो ठीक है कि जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच जो उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, लोगों को जो कहना है वो कहने देना चाहिए, लेकिन ट्विटर का जो मॉडल है दिस इज़ एन अगली मॉडल, बहुत ही ख़राब मॉडल है। इसके ऊपर सभी लोग जो ज़्यादा जिनके ट्वीट्स आते हैं वो ज़्यादातर हेट और फेक न्यूज़ ही स्प्रेड करते हैं उसी के ऊपर, क्योंकि उसमें सेंसेशन होती है, सेंसेशन के ऊपर ज़्यादा लोग उसको देखने आते हैं। और ये जो है ट्विटर के ऊपर फेक अकाउंट्स बहुत हैं और ये जो सब्सक्राइबर्स होते हैं या फॉलोअर्स होते हैं ट्विटर के ऊपर वो भी फ्री में या पैसे देकर, बहुत कम पैसे के ऊपर यू कैन बाय दोज फेक फॉलोअर्स एट द रेट ऑफ पीनट्स, यानी कि थोड़े से पैसे में ही बहुत फॉलोअर्स झूठे खरीद सकते हो। तो सारा ट्विटर का मॉडल ही एक्चुअली झूठ के ऊपर निर्भर है। तो ज़्यादातर जो लोग भी पॉपुलर होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ खुद फेक न्यूज़ स्प्रेड करती हैं, लेकिन वही जब लोग उनके बारे में कुछ बोलना शुरू करते हैं तो वो उनके अकाउंट्स को ब्लॉक करने के लिए कहती हैं। तो आज से जो ब्राज़ील के टेलीकॉम रेगुलेटर्स हैं, उन्होंने टेलीकॉम रेगुलेटर है और टेलीकम्युनिकेशन कैरियर्स हैं जो जैसे जो ये इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं, उन्होंने अब धीरे धीरे वहाँ पर लोगों के अकाउंट्स को यानी कि ट्विटर का एक्सेस बंद करना शुरू कर दिया ब्राज़ील में। लेकिन
जो लोग टेक्नोलॉजी को जानते हैं वो समझते होंगे कि किसी भी कंट्री में अगर आपका एक्सेस ब्लॉक हो जाता है तो यू कैन ऑलवेज यूज़ प्रॉक्सी सर्वर्स VPNs, यानी कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क जो होते हैं उनको यूज़ करके आप फिर भी अपने कंट्री में उन्हीं अकाउंट्स को दोबारा एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन ये जो सुप्रीम कोर्ट का जज है जिसने ये एक्स के खिलाफ रूलिंग दी है, उसने एक और ऑर्डर पास किया। उसने ये कहा है कि जो भी लोग VPN यूज़ करके एक्स को ब्राज़ील में यूज़ करेंगे उनको हर रोज़ $9,000 के करीब, जो ब्राज़ीलियन करेंसी है, उसमें उनको फ़ाइन देना पड़ेगा। तो अब कोर्ट ने इसको एक्स को या एलन मस्क को ये कहा है कि उतनी देर तक ट्विटर का ये अलाउ नहीं किया जाएगा उसको, एक्स को ब्राज़ील में, जितनी देर तक जो भी कोर्ट ने ऑर्डर दिए हैं वो उनको नहीं मानता और $3 मिलियन फाइन नहीं पे करता ब्राज़ीलियन गवर्नमेंट को। तो कोर्ट ने एक तो ये कहा है कि वहाँ पर जो हेट न्यूज़ और फेक न्यूज़ स्प्रेड कर रहे हैं उनको बंद किया जाए, और साथ में उन्होंने कहा है कि जो एक्स है यानी कि ट्विटर है उसको ब्राज़ील में एक अपना लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी अपॉइंट करना चाहिए जिसके साथ सरकार रेगुलरली इंटरेक्ट कर सके, ताकि वो जिस अकाउंट को भी कहे उसको ट्विटर इमीडिएटली या एक्स जो है अभी उसको इमीडिएटली ब्लॉक कर दे या सस्पेंड कर दे। जैसे आपने देखा होगा इंडिया में काफ़ी लोगों के अकाउंट्स जो हैं जो गवर्नमेंट है वो ब्लॉक करवाती रहती है, तो उसी तरह से। लेकिन अभी तक ना तो एलन मस्क ने वहाँ पर कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट किया और ना ही उन अकाउंट्स को बंद करने की कोशिश की है, क्योंकि अगर वो अकाउंट बंद करेगा तो इसका बिजनेस जो है वो बहुत ही घाटे में और भी जाना शुरू हो जाएगा। तो जो ब्राज़ील का प्रेसिडेंट भी है लूला डी सिल्वा, उसने भी कहा है कि अगर किसी भी कंपनी को ब्राज़ील में ऑपरेट करना है तो उसको ब्राज़ीलियन जो लॉज हैं उसको मानना पड़ेगा। ये एक बहुत ही एक यू कैन से ऑटोक्रेटिक स्टेप है बहुत सी कंट्रीज़ में, कि जहाँ पर जो फ्री स्पीच है उसको ब्लॉक किया जा रहा है। जो हेट स्पीच और फेक न्यूज़ है उसको तो ब्लॉक करना चाहिए, लेकिन हेट न्यूज़ और फेक जो न्यूज़ है वो ज़्यादातर जो हैं सरकार ही फैलाती है, जो उनके IT विंग्स होते हैं सरकारों के वो ही फैलाती हैं टू इन्फ्लुएंस द वोटर्स, क्योंकि वोटर्स को ज़्यादा समझ नहीं होती तो उनको इन्फ्लुएंस करने के लिए ये फेक न्यूज़ स्प्रेड करते हैं और हेट नफ़रत फैलाते हैं अपने ट्विटर अकाउंट्स के थ्रू। अपने अकाउंट्स को ब्लॉक करने के बजाय वो जो लोग उनको क्रिटिसाइज़ करते हैं थ्रू ट्विटर, उनके अकाउंट सरकारें जो हैं वो ब्लॉक करवाती हैं। सो दिस इज़ एन अगली ट्रेंड हैपनिंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड वेयर ऑटोक्रेटिक रूल इज़ देयर, जहाँ पर डिक्टेटरशिप है ज़्यादा वहाँ पर ये हो रहा है। तो आज ट्विटर को उन्होंने ये ऑर्डर दिया ब्राज़ीलियन गवर्नमेंट ने कि या तो अपना लीगल रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर अपॉइंट करो और फाइन दो, और जो अकाउंट्स उन्होंने कहे हैं जो सस्पिशियस अकाउंट्स हैं उनको ब्लॉक किया जाए, और अदरवाइज दिस ट्विटर और नाउ एक्स विल स्टे सस्पेंडेड इन ब्राज़ील। तो वो वहाँ पर ब्राज़ील में सस्पेंड ही रहेगा तब तक। और ये जो एलन मस्क है ये बहुत ज़्यादा उसके जो जज ने जिसने ऑर्डर दिया और ब्राज़ीलियन गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ ओपनली कर रहा है कि वहाँ पर डिक्टेटरशिप है, सो दीज डिक्टेटर्स हैव ब्लॉक्ड हिज कंपनी और एक्सेस टू ट्विटर इन ब्राज़ील। तो लेकिन आगे क्या होता है उसका अभी हम देखते हैं, लेकिन अभी तक दिस एक्सेस टू ट्विटर विल नॉट बी अलाउड इन ब्राज़ील। तो आज के वीडियो में मैंने इतना ही कहना था, और जो इससे रिलेटेड मैंने एक आज इंग्लिश में स्टोरी भी की है अपनी न्यूज़ साइट RMN डिजिटल पर, उसका लिंक भी नीचे छोड़ दूंगा, आप उसको भी जो इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं और उसमें कुछ और भी हाइपरलिंक्स हैं उनको भी आप क्लिक करके देख सकते हैं। और साथ में इससे रिलेटेड जो और भी लिंक्स हैं, मैं ट्विटर के ऊपर काफ़ी लिखता हूँ, रिसर्च रिपोर्ट्स भी डालता हूँ, तो वो उसके लिंक्स भी मैं इस वीडियो के नीचे छोड़ दूंगा। यू कैन क्लिक दोज लिंक्स एंड गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस स्टोरी ऑन ट्विटर और नाउ इट इज़ कॉल्ड एक्स। तो आज के वीडियो में मैंने इतना ही कहना था, थैंक्स फॉर वॉचिंग।